नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक हल्क बॉडी बिल्डर है, पर आज हम आपको एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस बॉडी बिल्डर की बॉडी बिल्डिंग को देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से दुनिया भर में नाम कमाया है और यह 2020 में मिस्टर ओलंपिक के लिए भी चुने गए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस बॉडी बिल्डर का नाम शॉन रोदन है। शॉन अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1975 में हुआ था और यह एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। शॉन की हाइट 5 फुट 10 इंच है। इनका वजन कॉम्पिटिशन ऑफ सीजन में 116 kg और कॉम्पिटिशन के दौरान 111 kg रहता है। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने से पहले उन्होंने अपने हाई स्कूल में फुटबॉल टीम में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, परंतु अब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के बाद इन्होंने अपना पहला IFBB प्रो कार्ड भी जीता है और आज के समय में यह दुनिया भर में काफ़ी बड़े इंस्पिरेशनल एथलीट के रूप में भी देखे जाते हैं और काफ़ी सारे एथलीट्स को भी इंस्पायर करते हैं। हालांकि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने की जर्नी में इन्हें काफ़ी सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। 1993 की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लगी, जिसके कारण उन्हें बॉडी बिल्डिंग के लिए वर्कआउट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परंतु शॉन ने हार नहीं मानी और अपना पहला कॉम्पिटिशन 1997 में खेला और इसके बाद वह कॉम्पिटिशन्स खेलते गए और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते रहे। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के बाद इन्होंने अपनी फैमिली से अलग रहकर बहुत ज़्यादा मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है। 21 साल की उम्र में काफ़ी इंस्टेंट ट्रेनिंग करने के कारण इन्हें एक बार काफ़ी भारी बैक इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से इनका फिटनेस इंडस्ट्री में वापस आना काफ़ी कठिन हो गया था और उन्हें फिटनेस इंडस्ट्री में वापस आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बैक इंजरी के बाद उन्हें फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला कॉम्पिटिशन खेला जिसमें उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। शॉन के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं और वह अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करते हैं ताकि वह अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रख सके। शॉन अपने सोशल मीडिया पर डेली वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान से रिलेटेड वीडियोस भी डालते रहते हैं। कॉम्पिटिशन्स ऑफ सीजन में शॉन हफ्ते में 6 दिन नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, परंतु कॉम्पिटिशन्स के दौरान वह काफ़ी इंस्टेंट वर्कआउट करते हैं, जिसके साथ साथ वह हैवी वेट लिफ्ट भी करते हैं। अगर उनके डाइट प्लान की बात करें तो वह एक दिन में 6 टाइम मील लेते हैं, जिसमें हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट और क्रैप शामिल होते हैं। इन्हें ज़्यादातर डाइट में एग्स, चिकन, ग्रीन वेजिटेबल और ब्राउन राइस को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे यह बॉडी बिल्डर आपको कैसे लगे, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर